हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कवरिंग नंबर के बारे में। तो कवरिंग नंबर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैचिंग के बारे में। ओके, तो कवरिंग क्यों डिस्कस करें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो क्या है, परफेक्ट मैचिंग। तो मैचिंग और कवरिंग मिला के ही परफेक्ट मैचिंग आता है। क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कवरिंग नंबर के बारे में। तो कवरिंग नंबर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कवर क्या होता है। कवर की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ एजेस विच कवर ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। ओके, यहाँ क्या सेट ऑफ एजेस, ये आपका गिवन ग्राफ है, हम क्या करेंगे इसमें सारी एजेस को पिक करेंगे और एक सेट फॉर्म करेंगे। अगर वो सारी एजेस जो हमने इंक्लूड किए उस सेट में, अगर वो सारे वर्टेक्स को कवर करती हैं, तो वही क्या हो जाएगा, कवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ क्या है, सारी एजेस हमने ले ली है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक गिवन ग्राफ है उसकी सारी एजेस को आप इंक्लूड कर लेंगे तो सारे वर्टेक्स कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कवर। ओके, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो कोई भी एक आप सबसे पहला कवर तो यही हो जाएगा कि सारी एजेस को लिख लो। नेक्स्ट E1 कॉमा E2। तो अब एज E1 क्या है, एज E1 कौन कौन से वर्टेक्स को कवर कर रहा है, ए और बी को। ओके, ए कॉमा बी। E2 किसको किसको कवर कर रहा है, यानी E2 से क्या हो रहा है, देखो E2 कहाँ, यहाँ पे बी और सी, बी एंड सी। तो ये आपका सेट था। अब देखो कौन कौन से वर्टेक्स आ रहे हैं, ए बी सी, यानी मिला के सिर्फ यहाँ तीन वर्टेक्स आ रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। बट ग्राफ में ए बी सी के अलावा बहुत सारे और भी वर्टिसेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, E1 और E2 ये जो आपको सेट मिला ये कवर नहीं है, क्योंकि सारे वर्टिसेस को हम कवर नहीं कर पा रहे इन दोनों एजेस से। ओके, नेक्स्ट E1। तो अगर E1 और E2 नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है E1 कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि E1 A और B को ही कवर कर रहा है। तो ये आपका कवर नहीं होगा। E1 E5 और E8 ये देखते हैं, E1 E5 और E8 E5 किसको कवर, यहाँ E5 किसको कवर कर रहा है, E5 देन E8। E8 कौन कौन से हैं, E8 एच F और G, F और G। तो अब कौन कौन से, यानी इस पर्टिकुलर सेट से क्या मिला, A B C E F G। ओके, सारे वर्टिसेस मिलने एक्सेप्ट D, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका कवर नहीं होगा। अगर सारे वर्टेक्स आ जाते तो ये कवर हो जाता, तो ये कवर नहीं होगा। E1 E4 E5 E8 E1 E5 E8 ऑलरेडी, E4 बस कैलकुलेट कर लेते हैं। E4 कहाँ पे है, यहाँ डी एंड ई, डी ई। अब देखते हैं कौन कौन से वर्टिक्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे वर्टिसेस आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेट को क्या कहेंगे, कवर। कवर का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एजेस विच कवर ऑल वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। तो ये E1 E4 E5 ये क्या है, आपका एक सेट है जिसमें सारी एजेस हैं, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्टिसेस को कवर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। E1 E2 E4 E8 E1 E2 E4 E8 ऑलरेडी है, बस E2 चेक कर लेते हैं। E2 यहाँ है BC। अब चेक कर लेते हैं A B C D E F G, इसमें भी सारे वर्टेक्स कवर हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कवर। नेक्स्ट E1 E4 यहाँ है, ओके E1 भी है, E5 बस नहीं है, बाकी E7 एंड E6। E1 E2 इसमें नहीं है, तो E2 हटा देते हैं यहाँ से, बाकी E1 और E8 E4 है, E1 E8 भी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। E1 और E4 है, बाकी E5 चेक कर लेते हैं। E5 कहाँ है, यहाँ पे CE। E5 हो गया, E6 क्या है, E6 E7 क्या है, यहाँ पे EF। E7 क्या है आपका, E F। तो अब देख लेते हैं, A हो गया, B हो गया, C आ गया, D, हाँ D भी है, E भी है, F भी है, G है, O। इसमें भी सारे वर्डसेस आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, कवर हो गया। तो इसमें 1 2 3 4 ये सारे कवर आ रहे हैं, बाकी ये सारे कवर नहीं। अब देखते हैं मिनिमल कवर। तो मिनिमल कवर क्या होगा, मिनिमल कवर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक आपका कवर है, उसमें से अगर कोई भी एक एज, कोई भी एक मिनिमम एक अगर एज डिलीट करें, उसके बाद भी अगर वो कवर रहता है, तो वो क्या होगा आपका, मिनिमल कवर नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस अगर सेट की बात करें, ये क्या आपका कवर है, यस ये कवर है। अगर इसमें से कोई भी एक एज डिलीट करें, उसके बाद भी अगर वो कवर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो वो मिनिमल कवर नहीं होगा। तो देख लेते हैं, अगर सपोज दैट हम यहाँ से E2 को डिलीट कर देते हैं, ओके तो अभी अगर ये सेट कवर मिल गया, तो इसका मतलब ये मिनिमल कवर नहीं होगा। E1 E3 यस, E1 से A और B, इससे A और B मिल गया, E3 से क्या मिल गया, B एंड D,
E3 से आपका क्या, इधर लिख देते हैं, E1 से ए बी मिल गया, ओके ए कॉमा बी, और E3 से बी और डी मिल रहा तो सिर्फ एक ही बार लिख रहे हैं डी, E4 से क्या मिल रहा आपका डी ई तो सिर्फ ई लिख रहे हैं, E5 से क्या मिल रहा है सी ई तो सी लिख देते हैं सिर्फ एक, E6 से क्या मिल रहा है ई जी, जी लिख लेते हैं सिर्फ, E7 से क्या मिल रहा है एफ, सिर्फ एफ ही लिख देते हैं, E8 से क्या मिल रहा है एफ जी, दोनों मिले ऑलरेडी यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, इसका मतलब अभी भी ये कवर है तो इसका मतलब ये मिनिमल कवर नहीं होगा, ओके नेक्स्ट E1 E2 अगर ये कवर ही नहीं है तो मिनिमल कवर होने का कोई चांस नहीं है, E1 भी नहीं होगा और ये भी नहीं आ रहा, बाकी अब E1 E4 इसको चेक करते हैं, E1 E4 E5 E8 ये इससे पहले इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेटेड है तो हमें ईजी होगा इसको सॉल्व करना, देखो E1 E4 E5 E6 E7 E1 E4 E5 E6 E7 अब अगर इसमें से कोई भी हम एज डिलीट करते, फॉर एग्जांपल E1 को तो किसी भी जो है कीमत पर डिलीट नहीं कर सकते अगर, क्योंकि E1 को अगर डिलीट करेंगे तो A आपका वर्टेक्स कभी भी हम कवर नहीं कर पाएंगे, देखो क्योंकि ये क्या आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स है, तो अगर E1 को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इस सेट से तो A को कभी कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए E1 तो रहेगा ही रहेगा। E5 अब देखो E5 कहाँ है, यहाँ पे, तो अगर आपको C को कवर करना है ओके तो C को कवर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो E2 या तो E5 आपके सेट में होना चाहिए, तो देखो क्या इस सेट में E2 है, नहीं, तो अगर यहाँ E2 होता तब तो हम E5 को डिलीट कर सकते क्योंकि इसके थ्रू हम C को कवर कर लेते हैं, लेकिन E5 को अगर डिलीट करेंगे फॉर एग्जांपल E5 को तो इसके ऑल्टरनेट में हमारे पास क्या होना चाहिए E2 जो कि इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कंपलसरी है, इसका होना कंपलसरी है। नेक्स्ट E5 तो E4 E5 को चेक कर ली, अब चेक करते हैं E4 E4 यहाँ पे, तो E4 से क्या आ रहा है डी आ रहा है, लेकिन अगर मान लो हमें डी को कवर करना है तो या तो E3 होना चाहिए या तो E4 होना चाहिए, तो इसमें E4 है, अगर इसको हमने फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया तो क्या E3 है डी को कवर करने के लिए, नहीं है, तो इसका मतलब E4 भी मैंडेटरी है, ओके E1 E4 E5 चेक कर ली, E6 ये इंटरेस्टिंग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, E6 अगर देखो E6 को अगर यहाँ से डिलीट करते हैं तो जी के लिए देखो दो ही रास्ते हैं जी के लिए, या तो एक रास्ता E6 है और दूसरा E8 है, तो अगर E6 को डिलीट करते हैं तो इस सेट में E8 का होना मैंडेटरी है, तो देखो E8 यहाँ नहीं है, दूसरा अब E7 चेक कर सकते हैं, तो E7 का मतलब ये F, ये F से कनेक्टेड है, तो F E7 को अगर डिलीट करते हैं तो ऑब्वियस बात E8 का होना ज़रूरी है, तो यहाँ E8 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया आपका मिनिमल कवर, ओके ये तो हो गया मिनिमल कवर। अब देखते हैं कभी इसको रिलेट करेंगे तो और समझ में आएगा, E1 E2 E4 E8 ओके E1 E2 इसको देख लेते हैं, E1 E2 E4 E8 E4 और E8 E1 तो किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं कर सकते ओके तो ये तो रहेगा, इसको क्रॉस कर दो, E2 को सपोज हम डिलीट करते हैं तो क्या हम C तक पहुंच सकते हैं, नहीं, लेकिन सी को कैसे कवर कर सकते हैं E5 के थ्रू, इस सेट में E5 में नहीं है तो इसका मतलब E2 को भी डिलीट नहीं कर सकते। सपोज दैट आप E4 को हम चेक करें तो E4 के साथ भी वही केस आएगा, अगर E4 को डिलीट करेंगे इस सेट से तो उसके लिए हमारे पास E3 का होना ज़रूरी है ताकि हम D को कवर कर पाएँ, तो यहाँ E3 भी नहीं है। E8 को अगर डिलीट कर देंगे E8 को तो इसके ऑल्टरनेट में E7 और E6 का होना कंपलसरी है, सिर्फ E7 भी होगा तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि F और G को अगर हमें कनेक्ट करना है दैट मीन्स कवर करना है तो या तो E से F तक जा सकते हैं E7 के थ्रू, E से G तक जा सकते हैं E6 के थ्रू, तो E8 को भी हम डिलीट नहीं कर सकते, यानी इस पर्टिकुलर सेट में से किसी भी H को डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होगा ये भी आपको हो जाएगा मिनिमल कवर, ओके। तो अगर इसको केयरफुली देखें अभी अच्छा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद E1 E4 E5 E1 E4 E5 और E8 तो E1 तो किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं होने वाला, E4 देखो E4 इसके ऑल्टरनेट पे E3 होना चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है E5 E5 अगर डिलीट करते हैं तो इसके ऑल्टरनेट पे E2 होना चाहिए, पर इस सेट में कहीं भी E2 नहीं तो इसको भी डिलीट नहीं कर सकते।
अगर E8 डिलीट करना है तो E8 के ऑल्टरनेट पे E7 और E6 भी होना चाहिए, वो है नहीं, तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को मतलब H को यहाँ डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या होगा, मिनिमल कवर। अब देखो अगर इस सेट को और इस सेट को केयरफुली देखें, E1, E4 और E5 ये सारे कॉमन है, बट E8 और यहाँ E6, E7 है, तो अगर E8 को हम रिप्लेस कर सकते हैं E6 और C1 से। देखो क्यों ये दोनों क्यों मिनिमल कवर आ रहा है, जबकि अगर देखें तो नंबर ऑफ यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, या नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, उसके बाद भी ये मिनिमल कवर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि E8 की जगह पे E6 और E7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि E8 के थ्रू F और G को कवर कर रहे हैं, तो अगर ये हम यहाँ से हटाते हैं इस सेट से, तो इसकी जगह पे ये दोनों एज लिखना कंपलसरी है, क्योंकि E6 के थ्रू G को कवर करेंगे और E7 के थ्रू F को कवर करेंगे। देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन आ सकती है कि जब E1, E4, E5 चार ही एज से हम सारे वर्टेक्स को कवर कर रहे थे, तो यहाँ 5 क्यों लिया, और इसको मिनिमल कवर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि E1, E4, E5 तो कॉमन है, E8 की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, E8 अगर हम E8 नहीं कंसिडर कर रहे हैं मिनिमल कवर में, तो हमें E7 और E6 दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको G को भी कवर करना है और F को भी कवर करना है, तो G जो है E6 से कवर हो रहा है और F जो है E7 से कवर हो रहा है, इसलिए इसको लिखा हुआ है। ये तो हो गया मिनिमल कवर। अब आते हैं मिनिमम कवर, तो मिनिमम कवर किससे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमल कवर से। तो देखो मिनिमल कवर कौन कौन से आए हैं, E1, E4, E5, E8, E1, E2, E4, E8 और लास्ट में क्या रहा है, E1, E4, E5, E6, E7। तो क्या करते हैं, मिनिमम कवर कौन कौन सा होगा, इन सारे मिनिमल कवर को चेक कर लेंगे जिसकी साइज जो है मिनिमम होगी। तो इसकी साइज कितनी आ रही, इसकी साइज आ रही 4। यहाँ पे आप कॉपी कर लेना एग्जैक्टली यही है यहाँ पे, ओके, इसकी भी 4 आ रही, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब मिनिमम जो यानी साइज वाला सेट मिल रहा वो 2 मिल रहा है, ओके, कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1, E4, E5 और E8, ये एक मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, E1, E2, E4 और E8, ओके। बाकी ये आपका मिनिमम कवर नहीं होगा, ये मिनिमल कवर तो होगा लेकिन मिनिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी साइज़ क्या है, 4, इसकी साइज़ क्या है, 5, और मिनिमम कवर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वही क्या हो जाएगा आपका कवरिंग नंबर। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो कवरिंग नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ओके, ये इसका आंसर होगा। तो अब यहाँ एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि जैसे हर एक वीडियो में डिस्कस किया, कोई भी गिवन ग्राफ उसका कवर क्या यूनिक होगा, नहीं। देखो कितने कवर मिले हैं, 1, 2 एंड 3, तो मतलब कवर तो यूनिक नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मिनिमल कवर, नहीं, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट आंसर मिले, तो मिनिमल कवर भी क्या होगा आपका, यूनिक नहीं होगा। मिनिमम कवर, यहाँ 2 आंसर मिले, तो मिनिमम कवर भी क्या होगा, वो यूनिक नहीं होगा। लेकिन जो जो आपका कवरिंग नंबर होगा वो हमेशा यूनिक होगा, ओके। तो ये था आप कवरिंग नंबर के बारे में। अब हम लोग एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, सो आप देखते हैं थ्योरम। थ्योरम बेसिकली क्या है, कवरिंग नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाई टू का सीलिंग। तो अब इस ग्राफ से समझते हैं, ये आपका एक गिवन ग्राफ है, इसका अगर हमें क्या करना है, कवरिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हमने ए और सी यानी इसको कवर किया, तो लेट सी एज E1 को हमने इंक्लूड किया, तो इससे क्या हुआ, ए और सी कवर हो गए। अब लेट सपोज हम ई और डी को कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए लेट से E2 ले लिया, तो ई डी सी और ए तो कवर हो गया, E1 से ए सी कवर हो रहा है, E2 से डी कवर हो रहा है, बट बी हमारा छूट जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम को इसको कवर करने के लिए या तो इस एज की ज़रूरत पड़ेगी, इस यानी इन तीनों एज में से कोई एक अगर पिक कर लेंगे तो बी भी कवर हो जाएगा। लेट से ये हमने E3 ले लिया, तो इसका मतलब मिनिमम कितनी एजेस की रिक्वायरमेंट होगी इसको कवर करने के लिए, 3। तो इसका कवरिंग नंबर कितना आ रहा है, 3। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से, कवरिंग नंबर इस ग्राफ को कैलकुलेट कर चुके हैं, 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 5। 5 बाई 2 का सीलिंग, तो 5 बाई 2 कितना होता है, 2.5। 2.5 का मतलब 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.5 का सीलिंग, तो 2.5 सीलिंग का मतलब 3, तो इसलिए ये आ रहा है। तो अब एक ग्राफ और देखते हैं, तो ये तो इससे वेरीफाई हो गया कि एटलीस्ट 3 होगा। तो अब देखो इसका ये आपका ग्राफ है जिसको स्टार ग्राफ कहते हैं, स्टार जिसमें ए सेंटर में बाकी इससे कनेक्टेड है। तो इसका अगर हमें क्या करना हो, कवरिंग नंबर कैलकुलेट करना हो, तो सारी एजेस को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, E1, क्योंकि हम कोई भी एज मिस नहीं कर सकते। अगर E1 को मिस करेंगे तो बी को हम कवर नहीं कर पाएंगे, E2 को मिस करेंगे तो सी कवर नहीं कर पाएंगे, एंड सो ऑन। तो इसका कवरिंग नंबर क्या होगा, 6। अब चेक कर लेते हैं, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितने यहाँ वर्टिसेस हैं, 7। 7 बाई 2 का
सीलिंग, तो 7/2 कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 का मतलब 4, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये देखो यहाँ भी कंडीशन आपका जो है फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी गिवन ग्राफ हो उसका जो है मिनिमम एटलीस्ट उसका कवरिंग नंबर क्या होगा, n/2 का सीलिंग। तो ये था आपका कवरिंग नंबर के बारे में। ओके।